सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर दी बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। कहा हमारी बेटियां हमारा अभियान। हरिद्वार पंचायत चुनाव में भाजपा का क्लीन स्वीप, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों पर निर्विरोध निर्वाचन तय। एटी भर्ती पर लगी रोक हटी, नैनीताल हाईकोर्ट ने काउंसलिंग पर लगी रोक को हटाया। हाईकोर्ट ने यूके ट्रिपलएससी के एक्सपर्ट की राय को माना सही। दरोगा भर्ती घोटाले के आरोपितों पर विजिलेंस का शिकंजा, हाकम समेत चार आरोपियों की रिमांड पर लेगी विजिलेंस, गिरफ्तार हो सकते हैं प्रोफेसर। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट हुए बंद, शीतकाल के लिए भारी बर्फबारी के बीच बंद। दोपहर 1:30 बजे श्री 1500 से की यात्री हेमकुंड साहिब में मौजूद रहे। उत्तराखंड में 2 दिनों का येलो अलर्ट, मंगलवार को भी मौसम खराब, देरा के बाद वर्षा के राहत के आसार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। केदारनाथ से खबर आपको बता देते हैं। सीएम धामी पहुंचे बाबा केदारनाथ के धाम। केदारनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बाबा केदार धाम में सीएम ने की पूजा अर्चना। बता दें कि निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे सीएम धामी। रुद्र यज्ञ में भी पधारे संतों से करेंगे भेंट। केदारनाथ धाम में पहुंचे सीएम धामी। निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे सीएम धामी। सीएम धामी पहुंचे बाबा केदारनाथ के धाम। निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे सीएम धामी। मंगलौर में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। मंगलौर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे और पत्थर। पथराव में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने मामला कराया शांत। मंगलौर में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे और पत्थर। पुलिस ने मामले को कराया शांत। मंगलौर में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीरें, जहां पर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। मौके पर पहुंची पुलिस से मामले को कराया शांत। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से एम्स के ट्रॉमा रथ का फ्लैग ऑफ किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश द्वारा ट्रॉमा रथ के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों और अन्य विद्यालयों में जाकर आम लोगों की चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक करने एवं करने का अभियान छेड़ा गया है। उन्हें कहा है कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है, चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह की पहल कारगर साबित होगी। यह ट्रॉमा रथ उत्तराखंड के आम जनमानस में ट्रॉमा चिकित्सा के प्रति जन जागरूकता लाकर उन्हें दुर्घटना के दौरान किस प्रकार से फर्स्ट एड दिया जाता है और घायल व्यक्ति की जान कैसे बचाई जा सकती है। सप्ताह भर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत ट्रॉमा रथ अलग अलग दिनों में अलग अलग स्थानों पर एम्स के ट्रॉमा विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा।
खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री की सुपारी देने वाले मास्टरमाइंड सहित पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही गिरफ्तारियों आरोपियों से हत्या के लिए दी गई सुपारी की रकम से 2,70,000 और एक कार भी बरामद हुई है। वहीं आरोपियों को पुलिस कोतवाली कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। दरअसल कोतवाली पुलिस को भाजपा कार्यकर्ता उमाशंकर दुबे द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंप कर बताया कि सितारगंज निवासी हेरा सिंह द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर जेल में ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या करने की योजना बनाई गई। मामले में कोतवाली पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर कई टीम का गठन किया है। जांच के दौरान टीम को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी हीरा सिंह निवासी सितारगंज सतनाम सिंह उर्फ सत्ता हरभजन सिंह मोहम्मद अजीज उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अजीज उर्फ गुड्डू से सुपारी की रकम से 2,70,000 रुपए बरामद किए गए हैं। खबर खानपुर से है, जहां पर खानपुर ब्लॉक प्रमुख पद पर भाजपा के मनीष कुमार की ताजपोशी तय हो गई है। सोमवार को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन पत्र जमा कराने का अंतिम दिन था। ब्लॉक प्रमुख के लिए उनके अलावा किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र जमा नहीं कराया। खानपुर विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए सोमवार को नामांकन पत्र जमा होने थे। आपको बता दें कि मनीष कुमार खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर ब्रह्म सिंह चैंपियन संघ ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे। प्रमुख के साथ भाजपा समर्थित प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र चुनावी अधिकारी वेद प्रकाश को सौंपा। दोपहर 3 बजे नामांकन जमा करने के निर्धारित अवधि खत्म होने तक दूसरे किसी भी उम्मीदवार का नामांकन जमा नहीं हुआ था। देखिए, हमारे खादर क्षेत्र के सिरमौर खानपुर ब्लॉक में आज विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख का नॉमिनेशन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी नीतीश कुमार चौधरी, जिनके पिताजी पूर्व प्रमुख रहे चौधरी विनोद कानेवाली, उनके पुत्र हैं, इनको हमने प्रमुख के लिए आगे किया है। पूरे क्षेत्र के व्यक्तियों का आशीर्वाद है, हमारे जितने भी बीडीसी रहे 21 के 21, हर गांव के लोगों को आप देख सकते हैं, सबका आशीर्वाद। ब्लॉक प्रमुख बनाए हैं, इसमें धामी जी का, प्रदेशाध्यक्ष जी का, चैंपियन जी का, निशंक जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमें ब्लॉक प्रमुख बनाने में। जैसे कि बीजेपी पार्टी का एक विचारधारा है उनकी सबका साथ सबका विकास, ऐसी हम मतलब कोशिश करेंगे कि 5 साल हम क्षेत्रवासियों का विकास करें। जो भी उनकी समस्या होंगी रोड के संबंधित, कुछ भी उनके काम होंगे ब्लॉक से संबंधित, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबका काम टाइम पे हो। और अब बात करेंगे अलविदा धरती पुत्र। आपको बता दें कि आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। दोपहर 3 बजे पंचतत्व में विलीन होंगे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। कुछ ही देर में रक्षा मंत्री पहुंचेंगे सैफे। आपको बता दें कि पूरे देश में शोक की लहर है। कई नेताओं ने, कई दिग्गज नेताओं ने पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की है। दोपहर 3 बजे पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। शोक में डूबा पूरा देश। आपको बता दें कि तमाम कार्यकर्ता, तमाम समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं, वो भी लगातार पहुंच रहे हैं नेताजी के प्रति। जो उनकी उनका प्रेम था या जो भी उनकी अपार श्रद्धा थी, वो लगातार पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और अखिलेश यादव भी मंच पर लगातार मौजूद हैं, नम आंखें हैं उनकी, और वो कार्यकर्ताओं को भी संभाल रहे हैं, साथ ही साथ खुद को भी संभाल रहे हैं। उनकी बहू डिंपल यादव अपने बच्चों के साथ वहां पर मौजूद है। मंच पर पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा है। शिवपाल यादव वहां पर मौजूद है। शिवपाल यादव ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तमाम दिग्गज नेता, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बता दें आपको कि कल 83 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने हमें अलविदा कह दिया और आज दोपहर 3 बजे वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे सैफई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। शोक में डूबा पूरा देश। 3 दिन का राजकीय शोक उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया है। नेता लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। दोपहर 3 बजे पंचतत्व में विलीन होंगे नेताजी मुलायम सिंह यादव। कुछ देर में रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे
सैफे ही बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें क्योंकि पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए सैफे में रखा गया है और लगातार लोग पहुंच रहे हैं वहां पर नेताजी के दर्शन करने। उमड़ा सैलाब, कुछ ही देर में सैफे पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बता दें आपको कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज उनके पैतृक गांव सैफे में अंतिम संस्कार होगा। कल सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया था, काफी समय से बीमार चल रहे थे। और बता दें आपको कि यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। मुलायम सिंह यादव का शरीर, आपको बता दें पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए मेला ग्राउंड में रखा गया है और दोपहर 2 बजे तक सभी अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। वहां पर पहुंच रहे हैं लगातार जो नेता हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हैं, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य अफजल अंसारी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। शिवपाल यादव ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तमाम आपको बता दें कि वीवीआईपीज जो है वो भी पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सैफे पहुंच सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए एसपीजी सैफे के लिए निकल गए हैं जो जानकारी मिल पाई। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भूपेश बघेल, सीएम अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, मनोज तिवारी, दिनेश लाल नहरुआ, तमाम लोग आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन, राजा भैया, उद्धव ठाकरे, ये सब पहुंच सकते हैं। और आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सैफे में ही मौजूद हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें आपको कि प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव, भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी और अन्य नेताओं और आम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सैफे में दिग्गज राजनेता मुलायम सिंह यादव को अंतिम श्रद्धांजलि दी है। सैफे जहां पर उनका जन्म हुआ और उसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार भी वहीं होगा। शोक में डूबा है पूरा देश।